सर अगली इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं क्योंकि चीन की इन चालबाजी की वजह से ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि विस्तारवादी चीन के कई देशों के साथ सीमा विवाद है और भारत के साथ एलएसी के कई इलाकों में विवाद को लेकर तो हम चर्चा कर रहे हैं। अरुणाचल, लद्दाख में चीन घुसपैठ की लगातार कोशिश करता है और नेपाल, भूटान, तिब्बत और ताइवान के साथ भी उसकी टेंशन है, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले हमारे साथ एक्सपर्ट भी कर रहे थे। सर, इस टेंशन के बीच मेरा सवाल आपसे ये है कि कूटनीतिक स्तर पर कैसे चीन का घेराव किया जा सकता है? जाहिर है कि अगर उनके सीमा पर समस्याएं हैं तो जिन देशों के साथ समस्याएं हैं उनके साथ हम एकजुट हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये होता, वियतनाम के साथ हमारा संबंधों में सुधार हुआ है, ताइवान के साथ हम आर्थिक संबंध बना रहे हैं, इसी तरह से मंगोलिया के साथ हमारे अच्छे आर्थिक संबंध हैं, एक तरह से ये घेराबंदी ही समझी जानी चाहिए। बिल्कुल, तो चीन का ये कोई पहला नहीं है कि भारत के साथ ही विवाद हो, चीन कई देशों के साथ समंदर में भी विवाद करता दिखा है। बड़ी खबर यह है कि दक्षिणी चीन सागर में जापान, नॉर्थ और साउथ कोरिया के साथ टेंशन चीन की जारी है, फिलीपींस के साथ स्कारबोरो और स्प्रेटली आइलैंड को लेकर के भी विवाद है, इंडोनेशिया के साथ नातुना आइलैंड को लेकर भी चीन का झगड़ा चल रहा है, मलेशिया के साथ चीन की स्प्रेटली आइलैंड को लेकर लड़ाई जारी है। समंदर में प्रोफेसर संजय भारद्वाज, चीन की कई देशों के साथ लड़ाई, विवाद, टेंशन हमने देखा है। इससे पहले लगातार हम चर्चा करते आए हैं कि ताइवान पर कैसे हमले की तैयारी में बैठा था चीन, अब एक नया विवाद भारत के साथ जो झड़प हुई है उसको लेकर के, इस खबर पर क्या डिटेल दे सकते हैं? देखिए, पहली बात कि जो चीन का विस्तारवादी नीति है निश्चित रूप से समुद्र की तरफ भी है और जो बॉर्डर है जिसमें मंगोलिया का जिक्र किया, भारत के साथ जिस तरीके से तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, ये जो चीन है बेसिकली आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। उनका जो 9 डैश लाइन का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है साउथ चाइना सी में, वो साउथ चाइना सी में अपना कंट्रोल वर्चस्व बढ़ाना चाहता है, वहीं तक सीमित नहीं है, वो इंडियन ओशियन में भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट श्रीलंका में हो या म्यांमार में हो या मालदीव में हो और उधर ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में, तो चीन का जो विस्तारवादी रवैया है किसी भी देश को, इंडो पैसिफिक रीजन के किसी भी देश को गवारा नहीं है, इससे सब नाराज है। और जो चीन का एक मिडिल किंगडम थ्योरी है जो एक तरीके से कंट्रोल करना चाहता है छोटे छोटे, जिसमें वियतनाम हुआ, फिलीपींस हुआ, आप म्यांमार हुआ, इन सबको अपने अपने प्रभाव में, प्रभुत्व में रखना चाहता है, ये एक कंसर्न है और इसके लिए होना जरूरी है। अपनी एक्सपेंशन की पॉलिसीज को चीन आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। विस्तारवादी चीन, समंदर में किस तरह का विवाद है, इसको लेकर कुछ और जानकारियां हम आपको देंगे, लेकिन यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तवांग को ही क्यों निशाना बनाया गया, किस तरह से तवांग को तिब्बत का हिस्सा मानता है चीन, और जो 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत पॉलिसी है उसका एक हिस्सा तवांग भी है। ऐसे में तवांग पर ये कब्जा जमाने की कोशिश, यांगसे पर कब्जा जमाने की कोशिश, ये क्या कहानी कह रही है ये भी समझा जाएगा। लेकिन विस्तारवादी चीन समंदर में भी किस तरह के विवाद खड़े कर रहा है, किस तरह के झगड़े कर रहा है, इसकी एक झलक आपको दिखा दे। फिलीपींस का जहां तक सवाल है, स्कारबोरो और स्प्रेटली आइलैंड को लेकर विवाद है, अलग अलग मुल्कों से कितने सारे विवाद चीन के नाम। दूसरे नंबर पर वियतनाम का जिक्र करना जरूरी है। दक्षिणी चीन सागर पर कब्जे की लड़ाई यहां पर चल रही है, यहां पर भी अपना प्रभुत्व चाहता है चाइना। इंडोनेशिया का अगर जिक्र किया जाए, नातुना आइलैंड और दक्षिणी चीन सागर के कुछ हिस्सों को लेकर यहां भी विवाद चल रहा है, मलेशिया के साथ भी उसका डिस्प्यूट चल रहा है, स्प्रेटली आइलैंड को लेकर यहां पर लड़ाई चल रही है, जापान के साथ भी भिड़ा हुआ है चाइना, सेनकाकू और दियोई और ओयुताई आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद है, साउथ कोरिया और सोक्रोटा रॉक पर भी विवाद है, यानी साउथ कोरिया के साथ भी उसने विवाद का एक फ्रंट खोल रखा है, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया से भी भिड़ा हुआ है, यालू नदी पर बने 205 आइलैंड्स को लेकर उसका नॉर्थ कोरिया से भी विवाद चल रहा है, साउथ चाइना सी को तो लेकर विवाद है ही और सिंगापुर भी इसकी जद में है, इसके अलावा ब्रुनेई में भी उसका डिस्प्यूट चल रहा है स्प्रेटली आइलैंड को ही लेकर, और ब्रुनेई साइलेंट दावेदार है ये वो मानता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, जल्दी से एसवीपी सिंह साहब, अगर आप ये समझा पाए इतने सारे फ्रंट्स विवाद के, लड़ाई के, झगड़े के एक साथ चीन लगा हुआ है, कैसे मैनेज कर पाएगा? चीन का इस समय मुद्दा यही है कि सुपर पावर बने, वर्ल्ड सुपर पावर नंबर 1 बने, 2050 तक उसकी ये एम है,
और उसको मद्देनजर में रखते हुए वो ऐसी हरकत कर रहा है। जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आइलैंड हैं डिस्प्यूट के अंदर, जो चीन उनको कब्जा करना चाहता है, देखो उसकी मिलिट्री ताकत बहुत ज्यादा है और जितने भी ये देश हैं उस मिलिट्री ताकत तो उसको दिखा नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए लगातार चीन अपनी ताकत में इजाफा भी करता हुआ नजर आता है।